ये देखिए सेंटर में हम निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, तो ये 8 इंच तक यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे पट्टी हम तैयार करके रखे हैं, इसको आयरन करके इसको सेट कर लिए हैं, और ये 3 इंच चौड़ा पट्टी कट किए, और इसका लंबाई हम 9 इंच रखे हैं। यहाँ पे 8 इंच है लंबाई, इसको 1 इंच हम ज़्यादा ही रखे हैं। अब इसको देखिए इस तरह से रखेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरीके से। देखिए ये खुला वाला साइड एक इधर है और एक इधर है, इस तरह से रखेंगे। और अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, तो ये लेस देखिए इसका लंबाई हम देख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको ऐसे पलट के यहाँ पे हम पहले स्टिच करेंगे। अब देखिए ऐसे पलट लेंगे, ये उल्टा हम लगाए हैं लेस को। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, जहाँ तक कटा हुआ है वहाँ पे ही, और जहाँ पे हम सिलाई लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे, ये सेंटर में रखेंगे। पर देखिए स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर कट करेंगे, देखिए यहाँ तक सिलाई है, इसको इस तरीके से कॉर्नर कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे, और देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे, ये वाला ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये लेस को भी ध्यान देना है, इसको भी इस तरह से अंदर घुसा करके और किनारे से इसका सिलाई करेंगे। ये देखिए एक साइड में ये किनारे से सिलाई लगा लिया है। अब ये दूसरा वाला पकड़ेंगे पट्टी को, और यहाँ पर इस तरह से कपड़ा को बीच में डालेंगे, और फिर इधर सिलाई करेंगे, और इधर भी लेस को इस तरह से पकड़ के और सिलाई कर लेना है। ये कपड़ा पीछे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लगा लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये लेस इधर पलट जा रहा है, तो इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ये वाला जो कपड़ा है इस नीचे साइड में नहीं रखेंगे, इसको ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिच करके और थोड़ा सा इतना दूर पे इसको बंद कर देंगे, तो देखिए ये लेस सीधा हो गया।